आपका स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। हमारे सामने ये भारत बेंच का एक गेट टीपर खड़ा है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो नंबर है वो बिहार का है, BR30। तो मैं अभी इस तरफ पूरा बिहार अभी मैं घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ चलती हैं, कौन सी गाड़ियाँ फेमस है। तो मुझे ये भारत बेंच की 1923 जो मॉडल है ये मुझे दिखा है, ठीक है। तो गाड़ी का लुक जो है कुछ इस तरीके का है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक टिपर है और 6 टायरा है, ये 6 टायरा टिपर है। तो भैया हैं इसको जो चलाते हैं, भैया स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम होगा आपका? रामकिशन साहब। रामकिशन भैया का नाम है, रामकिशन। और भैया कितनी पुरानी गाड़ी है ये? ये 2 साल की गाड़ी है। 2 साल, यानी इसको लिए हुए 2 साल हो गए हैं, यानी कि करीब 2021 मॉडल है ये, 2023 अभी चल रहा है। तो भैया कैसा लग रहा है आपको चलाने में ये गाड़ी? गाड़ी तो बहुत बिजोर है। गाड़ी बिजोर है जी? बिजोर मतलब बहुत ही अच्छी है, बिहार में बिजोर का मतलब होता है बहुत अच्छी जी, ठीक है जी। तो और जैसे कि बाकी गाड़ियां भी आपने चलाई होंगी, ठीक है ना? सबसे बेहतर गाड़ी हमको लगता है ना। तो देखो अपने पास एक यहाँ टाटा भी खड़ी है और टाटा का भी छोटा सा देखो टिपर टाइप ही बनाया हुआ है। तो कैसी लगी भैया, कौन कौन सी? पहले तो छाई में आ जाते हैं, आइए। और कौन कौन सी आपने गाड़ियाँ चलाई हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हम टाटा लेलैंड टोटल के टोटल गाड़ी चला रहे हैं। टाटा भी चलाइए, लेलैंड भी चलाइए, भारत बेंच भी चला रहे हैं जी, जी। तो जैसे कि बिहार का जो रास्ता होता है, बिहार में जो सड़कें हैं ज़्यादातर मैं देखता हूँ ख़राब हैं, और आपका जो है यहाँ जो काम है कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं पूरा जो है गिट्टी वगैरह जो है ना, ये ढुलाई का काम जो है इन गाड़ियों से होता है। तो भैया कैसी लगी आपको ये गाड़ी बाकी गाड़ियों के मुकाबले? बाकी गाड़ी से बहुत अच्छा गाड़ी है। क्या क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? अरे चलने में भी इंजन विंजन गियर फिलहाल कलच पर सब इरेक भी सब टोटल का टोटल सही है सब बाकी गाड़ी से जी। तो इसमें क्लच वगैरह में कभी कोई आपको समस्या लगी क्या? 2 साल हो गए आपको चलाते हुए, समस्या नहीं अभी? क्लच वगैरह जैसे इसके जल्दी फूक जाते हैं? नहीं अभी इसका कोई समस्या नहीं, अभी ठीक है, अभी इसका ओरिजिनल है अभी। ओरिजिनल ही है जी। अच्छा कितनी सर्विस होगी अभी अब तक इस गाड़ी की? दोबारा हो गया, तीसरा होने वाला। अच्छा 2 बार हो चुका है, तीसरी बार होने वाला है। तो सर्विस में कितना खर्चा आ जाता है? सर्विस में कितना खर्चा आता है तो वो कागज के द्वारा मालिक भेजते हैं, तो हमको पता है। अच्छा उसका आइडिया नहीं है अभी आपको? चलिए कोई बात नहीं। मेरे को देखो एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ दिख रही है, इसमें जो कमानी है भैया, ये कमानियाँ देखो डबल कमानी है नहीं जी, तो ये ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इसमें डबल कमानियाँ हैं इस तरीके से। तो इसके बारे में कुछ बताइए, बाकी गाड़ी में भी इस तरीके का आता है क्या? जी सब गाड़ी में आता है ऐसे डबल कमानी। अच्छा ये आपका जो है बाकी साइलेंसर हो गया जी? साइलेंसर हो गया, ठीक है। और हाइड्रोलिक तेल का टंकी हो गया? हाँ हाइड्रोलिक का टैंक हो गया, एयर फिल्टर हो गया इसमें। ठीक है आगे का जो सस्पेंशन है वो भी ये है आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 कमानियाँ इधर मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी। चलिए बढ़िया। और इसकी बात अगर भैया हम करें इसके जैक की, तो जैक आपको कैसा लग रहा है? जैक जैक मजबूत है जी? बहुत मजबूत। ये हल्का दे रखा कंपनी ने, हल्का चलता है, मजबूत है गाड़ी, मजबूत है जी जी। तो इस गाड़ी की अगर मैं कुछ वैसे मतलब बुराइयां अगर सुनना चाहूँ आपसे, तो क्या क्या बुराइयां क्या क्या है? हमको तो इसमें कोई बुराइयां नहीं दिखाई दे रहा है। बुराइयां नहीं लग रही जी ना? देखो मैं बताता हूँ कई लोगों ने क्या कहा है, कई लोगों का ये कहना है कि इसकी जो लाइट्स हैं ये कमज़ोर हैं, इसकी रोशनी कम है, इस बारे में कुछ कहोगे आप? आपको कैसा लगा? हाँ हल्का कमज़ोर है। कमज़ोर हैं। और टाटा की अगर मैं बात करूँ, तो टाटा की जो रोशनी है गाड़ियों की लाइट की, लाइट की उसका तगड़ा है, उसका तगड़ा है ना जी, लाइट इसका कम है, ठीक है जी। एक तो ये होगी, बाकी और फ्रंट से अगर हम देखें तो देखो काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और ग्रिल काफ़ी बढ़िया है, मजबूत है, यहाँ हवा वेंटिलेशन वगैरह इंजन को प्रॉपर मिलता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वही लाइट्स वगैरह का इशू है, 3 पार्ट्स में इसके आपको जो फ्रंट का बम्पर मिल जाता है, 1, 2 और वो 3, तो कहीं से कोई अगर पार्ट डैमेज होता है एग्जैक्टली वही पार्ट आप चेंज करके और रिप्लेस कर सकते हैं, पूरा का पूरा बम्पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस गाड़ी के जो है ये काफ़ी अच्छे लगते हैं भाई, बहुत ही चौड़े ये दिए हुए हैं, आप इसलिए इस पर चढ़ सकते हैं, ठीक है। टायर अगर इसमें देखें तो टायर वगैरह जो हैं ये इन्होंने इसके डलवाए हुए हैं, अपोलो के हैं, अपोलो के टायर डले हुए हैं, ठीक है। और ये है आपका 20 का है, 11 20 के दिए हुए टायर। बाकी आपका यहाँ पे एमरोन की बैटरी हो जाती है और आपके पास यहाँ पे एड फ्लू का ऑप्शन आ जाता है।
अच्छा भैया, इसमें जो है कभी आपको ये हुआ कि भाई इसमें लैपटॉप लगाने की ज़रूरत पड़ी हो? हम तो मोटा मोटी बाइक चलिए 20 वर्ष से चला रहे हैं। एक बार जो कैसे लैपटॉप लगाया था इसमें, जो इसका जो कैसे यूरिया ख़त्म हो गया था, दूसरे कंपनी के यूरिया इसमें डाल दिया था, तो जो कैसे यूरिया सब बच गया था, डाल नहीं रहा था, नहीं डाला तो जो कंपनी को फ़ोन किया गया था, कंपनी का आदमी यहाँ पर आया मिस्त्री, तो जो कैसे लगाया लैपटॉप तो भाई भैया ने बताया कि भारत बंद का यूरिया ही इसमें आपको डालना पड़ेगा। अगर आपने कोई दूसरा यूरिया इसमें डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे इनके साथ हुआ था, इन्होंने दूसरा डाल दिया था यूरिया और इनको जो है लैपटॉप लगाने की जरूरत पड़ी। कंपनी से लोग आए, उन्होंने ठीक ठाक किया और कंपनी का ओरिजिनल जो है वो डाला यूरिया, तब जाके चला है। इसके भैया डीजल टैंक की कितनी कैपेसिटी है? डीजल टैंक इसका जो है 260 का, 260 लीटर का डीजल टैंक है ये, ठीक है। और इधर से भी आपको मैं दिखा दूँ, कमानिया वगैरह काफ़ी अंदर में, सिस्टम सारा कुल मिला के सही है। तो अच्छा भैया, जैसे कि अब ये, क्योंकि ये गाड़ी जो है आप 2 साल से आप लगभग चला रहे हैं और हमारे सामने ये गिट्टी ढोने का ही काम इसमें ज़्यादातर होता है ना, तो कितनी भैया कमाई हो जाती होगी एक ट्रिप की अगर मैं बात करूँ तो? एक की करता है तो वही 1500 रुपया बचता है। 1500 रुपये एक की? 1500 रुपये बचता है। कितने मतलब कितनी दूरी का सफ़र रहता है? यही 25 से 30 किलोमीटर का। 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में आप माल अगर ढोते हैं तो 1500 रुपये एक ट्रिप पे बचते हैं। दिन में कितने ट्रिप लग जाते होंगे? वो तो भाड़े के ऊपर है, 2 ट्रिप लगता है 3 ट्रिप लगता है, कभी कभी जो 8 ट्रिप चलना पड़ता है 4 ट्रिप घूम फिर जाता है। अच्छा, 4 ट्रिप भी लग जाता है। ऑन एन एवरेज जो है 3 ट्रिप तो रहता ही है, 2 ट्रिप रहता है, तो दिन में 3000 रुपये की मतलब हो जाता है, यानी करीब 90000 रुपये जो है महीने के बचत हो जाती है इस गाड़ी से, ठीक है। अंदर में भैया, अंदर से आपको कैसा लगा? एक बार मैं, आप यहाँ से चढ़िए, मैं उधर से आता हूँ। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो गाड़ी का कुछ ओवरऑल दरवाज़ा काफ़ी मजबूत है, सारे फीचर्स हैं बेहतरीन है। अब अगर इसके ऊपर चढ़ के हम लोग देखते हैं, चढ़ने वाला सिस्टम बड़ा ही सही है भाई गाड़ी का। स्टीयरिंग गाड़ी का कुछ इस तरीके का है भाई ओवरऑल, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ आपके पास ये वाइपर का कंट्रोल है भैया, ये इसी में वाइपर का कंट्रोल है, इसी में वाइपर का भी है। और ये वाला क्या चीज़ का कंट्रोल है? वो जो है इंजन कंट्रोलिंग वाला है। अच्छा, इंजन कंट्रोलिंग के लिए है। और हॉर्न वगैरह यहाँ पे, ये हॉर्न इसका इसी से बजता है। किससे? इसी से बजता है। अच्छा, इसी से हॉर्न भी बजता है, ठीक है। बाकी ये एसी में है या नॉन एसी में भी है? नॉन एसी में। नॉन एसी गाड़ी है ये जी, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स वगैरह ब्लोअर की स्पीड के मिल जाते हैं। बाकी ये हजार्ड लाइट का हो गया, ठीक है। ये आपका जो है अगर गाड़ी ज़्यादा लोडेड है तो ये वाला बटन दबा के गाड़ी को ज़्यादा पावर आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने पास यहाँ पे ये अपना जो है वो हैंड ब्रेक हो गया, ठीक है। गियर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 6 गियर हैं और एक रिवर्स है, तो ओवरऑल 7 गियर हैं। यहाँ से देखने में कुछ इस तरीके का है। अगर हम सोने वगैरह की बात करें तो भैया इसमें सोने के लिए आपके पास यहाँ पे ये दिया हुआ है, अगर आप इसको आगे कर लेते हैं, इसको भी आगे करना पड़ेगा, तब आप इजीली इसमें रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो रेस्ट करने के लिए एटलीस्ट दिया हुआ है कुछ। और अगर मैं लाइट्स वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास लाइट आ जाते हैं ये, ठीक है। ये इसका स्विचेज हैं, चलिए जी। और यहाँ आप इजीली, ये स्पीकर हो गया, यहाँ कुछ ग्लव बॉक्स टाइप का हो गया, यहाँ म्यूजिक सिस्टम हो गया। म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा हुआ था भैया या अलग से लगवाया? लगा हुआ था, ठीक है। और बाकी अपने पास ये हो गया, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है भाई, बहुत बढ़िया। और उस तरफ नहीं आता है ये, इस तरफ नहीं लगा था ना, इस तरफ नहीं आता है, ठीक है। बाकी सामने का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का है, तो ओवरऑल विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं आती हैं जो सेंसिंग वाले आते हैं ना, यहाँ पे कैमरा वगैरह को शराब वगैरह पी के कोई चला रहा हो, वो चीज़ें इसमें नहीं है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी नीचे वाला लोअर है, लोअर वाला वेरिएंट है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कौन सा वेरिएंट है ये,
ठीक है। बाकी यहाँ पे भी आपको एक सीट बेल्ट का ये जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है। चलिए तो ओवरऑल कुल मिला के ये गाड़ी इस तरीके की। भैया कितने किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी? जहाँ रहे इसे भी बसता है। इसको एक बार मैं चाबी ऑन करके देखता हूँ। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये 54,540 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, ठीक है। और आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। अभी न्यूट्रल में है गाड़ी तो इसलिए एन दिखा रहा है। बाकी जैसे अगर हम लोग गियर में लगाएंगे तो यहाँ गियर दिखाता है ना कौन से गियर में चल रही है गाड़ी। ये आपका स्पीडोमीटर हो गया, ठीक है। और बाकी आपके सारे अदर कंट्रोल्स इस तरफ हो गए। चले तो बाकी चीज़ें जो हैं सही हैं। तो भैया आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर कोई नया भाई गाड़ी लेना चाहता है तो वो कौन सी गाड़ी ले? टाटा की गाड़ी ले, अशोक लेलैंड ले, या भारत बेंज ले? हम तो कहते हैं जैसे अभी जो दाम इसका जो लगता हो लेकिन सबसे अच्छी गाड़ी हुई इसमें हर चीज़ से हर चीज़ अच्छा है। अच्छा सारी चीज़ों से अच्छी है जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो भैया तो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो भाई मानना पड़ेगा अगर भैया तारीफ़ कर रहे हैं तो। भैया वैसे कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? हम जो है गाड़ी 85 से चलाते। 85 जी, 85 से, यानी कि करीब मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो भैया को 10, 20, 30 और अभी करीब मतलब वही मान लीजिए आप 40 साल के करीब होने वाला है भैया को एक्सपीरियंस ना, 37 साल के आसपास भैया का एक्सपीरियंस है। भैया कह रहे हैं कि भारत बेंज गाड़ी बहुत बढ़िया है तो भारत के बेंज को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये छोटा वाला मॉडल है, बाकी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए ये सब मिल जाता है। यहाँ पे ये नीचे के लिए हो गया, यहाँ आपका ये वाला हो गया, पूरा पीछे कवर हो रहा है तो विजिबिलिटी भी यहाँ काफ़ी अच्छी है और एक अच्छा फील आता है। कैबिन वगैरह भी है काफ़ी अच्छा है इसका ना? जी जी बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा झटके वगैरह महसूस नहीं होते? नहीं नहीं कोई झटका नहीं। ठीक है चलिए। और तेल कैसा भैया, एवरेज क्या कुछ आप बता रहे हैं? इसका जो है लोड लोड और खाली मिला करके वो 4 का मिला है। 4 का एवरेज दे देती है गाड़ी? जी जी ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। और कोई और ऐसी चीज़ भी है जो आप बताना चाहें अपनी तरफ से? नहीं और सब चीज़ की वो उतना अभी नॉलेज नहीं है, अभी जितना जो हम जानते हैं सर उतना ही बतलाएंगे, फालतू झूठ बोले सर। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो देख लीजिए ऑनेस्ट बिल्कुल रिव्यू रहता है भाई लोग, मैं किसी को कहता नहीं हूँ कि आप अच्छा ही बताइए बुरा ही बताइए, जो भैया ने बताया अपनी तरफ से बताया, मैंने कुछ नहीं कहा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे जो है थैंक्स का बटन दिया हुआ है आप उसको ज़रूर दबाइए और हमें सपोर्ट करिए अपने प्यार को, ठीक है। और आपका प्यार हमें चाहिए और आपका सपोर्ट हमें चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए भाइयों, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप लोगों तक सही जानकारी देने में, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती है जो कई बार मैं नहीं पूछ पाता हूँ क्योंकि ड्राइवर भाइयों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए। बाकी आप लोग कमेंट करिए, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन वगैरह इस गाड़ी से रिलेटेड चाहिए तो आपको मैं दूंगा, ठीक है। बाकी गाड़ी के सारे कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे, अदर कंट्रोल्स वगैरह गाड़ी के यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।